पुलिस हो या कोई जांच एजेंसी, सत्ता के लोगों के लिए किस तरह जांच की जाती है, इसका एक नमूना आप देख सकते हैं पटना में हुए गौतम और शिल्पी मर्डर केस मामले में, कि सत्ता के दबाव में किस तरीके से पुलिस अपनी जांच में लीपापोती करती है। इसके साथ ही अपने को और अपनी सरकार को बचाने के लिए जांच एजेंसियों को गठित किया जाता है या किसी एजेंसी को जांच सौंपी जाती है, और उस जांच में क्या होता है, कितने सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सवालों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मीडिया, अखबार सब एक तरफ शोर मचाते रहते हैं, लेकिन होता वही है जो सत्ता चाहती। इसी तरह का एक नमूना आरजेडी सरकार का भी हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के भाई पर सीधे सीधे उंगली उठाई गई, और उंगली उठाने के बाद भी तमाम चीजें उनके हक में रहीं, जबकि वहीं कोर्ट के माध्यम से नारायण दत्त तिवारी को अभी अपना ब्लड सैंपल देना पड़ा था, और उस ब्लड सैंपल को देने के बाद उन्हें रोहित को अपना बेटा मानना पड़ा, जबकि वो पहले इनकार कर रहे थे, और लगभग 80 साल की उम्र में शादी भी उन्होंने की। लेकिन वहीं मनचले एक मुख्यमंत्री के भाई ने जो कृत्य किए या उनके साथ के लोगों ने जो कृत्य किए, उन्हें छुपाने के लिए पुलिस ने पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट ही बदल दी। आनन फानन में तमाम चीजें करवा दी गई जिनकी कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा केस आज भी जो तमाम अनसुलझे पहलू रह गए और उसे आज तक सुलझाया भी नहीं जा सका और बंद कर दी। जो पुलिस की जांच में आया वही कुछ रिपोर्ट निकलकर 4.5 साल बाद जांच एजेंसी की रिपोर्ट में भी आए। आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारत में सत्ता पर उंगली उठाई और प्रदेश सरकार ने उसको किस तरह से दफन कर दिया, ये मामला इस कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आयुष आपका आपके चैनल स्टोरी आज अभी में स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं कहानी की ओर। बात उस समय की है जब बिहार में आरजेडी का डंका बजता, यानी 3 जुलाई 1999 की बात, और उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और लालू यादव चारा घोटाले के चलते मुख्यमंत्री पद से हट चुके थे। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं था, इस वजह से राबड़ी मुख्यमंत्री बनाई गई थी और लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसके अलावा बिहार की राजनीति में खास तौर पर यानी पटना में इन दो नाम के अलावा तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा उभरा हुआ था वो था साधु यादव। इनका बड़ा जलवा हुआ करता था और इनकी दबंगई के किस्से भी अलग अलग पहचान बना चुके थे, एक लहर सी चल रही थी। अब राजद की राष्ट्रीय जनता दल चूंकि अध्यक्ष लालू प्रसाद, और अध्यक्ष होने के नाते लालू प्रसाद ने अपने साले को टिकट देकर बाकायदा एमपी भी बनवा दिया। साधु यादव चूंकि राबड़ी के भाई थे यानी लालू के साले, अब 1999 में साधु यादव सांसद हुआ करते थे। वहीं पटना में एक नौजवान एनआरआई परिवार का एक लड़का गौतम सिंह, अच्छे परिवार का लड़का था, पिता डॉक्टर से विदेश में रहते थे, और गौतम चूंकि पटना में ही रहता था, जर्नलिस्ट था, अकेला ही रहा करता था, और उसकी एक वजह ये भी थी पटना में रहने की कि वो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाने का भी इरादा रखता था कि वो पॉलिटिक्स में जाएगा, नेता बनेगा। अब नेता बनेगा तो उसने उस वक्त के आरजेडी खेमे में पकड़ बनाने के लिए आरजेडी से जुड़ना ही अच्छा समझा, और धीरे धीरे वो साधु यादव का करीबी भी बन गया और इसकी जान पहचान साधु यादव से बहुत ज्यादा हो गई। वहीं शिल्पी जैन पटना के एक नामी बिजनेसमैन की बेटी हुआ करती थी, और शिल्पी के पिता का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार, उनका अपना शोरूम था। अब पटना में चूंकि अच्छी फैमिली और शिल्पी का एक भाई भी था, शिल्पी पटना के वुमेन्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और वह उस समय कंप्यूटर का कोर्स भी कर रही। पटना के एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई के दौरान ही गौतम के साथ उसकी मित्रता हो गई थी, दोनों अच्छे दोस्त थे। शिल्पी और गौतम की यह दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी, क्योंकि इस दोस्ती को काफी वक्त बीत चुका था और इस दोस्ती में साथ उठना, बैठना, मिलना जुलना सब कुछ होता था। इसके साथ ही गौतम के मित्रों में तमाम ऐसे थे जो साधु यादव से भी जुड़े हुए थे, क्योंकि गौतम पॉलिटिकल सर्कल में जुड़ाव रखता था। अब एक दिन गौतम ने उन लोगों से शिल्पी की मुलाकात कराई, क्योंकि गौतम को राजनीति में आगे बढ़ना था और उसने शिल्पी को एक दोस्त की हैसियत से ही अपने पॉलिटिकल मित्रों से मिलवाया था। यानी जिस दिन यह घटना घटित होती है उससे 24 घंटे पहले यानी 2 जुलाई को शिल्पी सुबह सुबह घर से इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकली हुई थी और वो एक रिक्शे
पर बैठकर अपने इंस्टीट्यूट जहां कंप्यूटर कोर्स कर रही थी वहां जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी आकर ओवरटेक करती है और रोकती है, और इस गाड़ी से गौतम और शिल्पी दोनों का ही मिलने वाला जानकार शख्स उतरता है, जिसे शिल्पी भी जानती थी, और वो पूछता है कहाँ जा रही हो। शिल्पी उसे बताती है, तो वो शख्स कहता है कि चलो मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुमको छोड़ दूंगा, क्यों धूप में रिक्शे में जा रही हो। और शिल्पी भी रिक्शे से उतर कर उसकी कार में बैठ जाता और वो शिल्पी को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन अब जो स्थिति है, वो जब शिल्पी को बैठा कर कार में अपने साथ लेकर चलता है तो पटना से ही थोड़ी दूर पर एक जगह पड़ती है फुलवारी शरीफ, और ये पटना एयरपोर्ट के नजदीक है, और यहीं पर फुलवारी शरीफ में ही एक गेस्ट हाउस बना हुआ, और ये गेस्ट हाउस काफी बदनाम गेस्ट हाउस है, और उस गेस्ट हाउस के बारे में जो लोग वहां रहते हैं वो ये जानते हैं कि नेताओं ने इस गेस्ट हाउस को अपनी अय्याशी का अड्डा बनाकर रखा था, जबकि बाहर दिखाने के लिए वो पार्टी के लिए गेस्ट हाउस इस्तेमाल किया जाता था। तो शिल्पी जब उस कार में बहाने से बैठा ली जाती है तो जानकार शिल्पी को उसी गेस्ट हाउस में फुलवारी शरीफ वाले में लेकर जाता है। अब 2 तारीख की ये बात है, और 2 तारीख दोपहर शिल्पी घर से निकली थी और उसे करीब 1.5-2 घंटे बाद घर लौट करके आ जाना था, लेकिन वो नहीं लौटती। तो घर वाले 1-1.5 घंटे और इंतजार करते हैं कि हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ होगी, तभी नहीं लौटी है। अब घर वाले शिल्पी के फोन पर कॉल करते हैं, लेकिन शिल्पी का फोन नहीं लगता है, आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। लेकिन इसी दौरान अचानक गौतम को ये जानकारी होती है कि शिल्पी को फुलवारी शरीफ के उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया है, और गौतम जैसे ही ये जानकारी पाता है वो आनंद फानंद में अपनी गाड़ी उठाकर फुलवारी शरीफ के लिए भागता है। क्योंकि फुलवारी शरीफ के संबंध में गौतम अच्छी तरह से जानता था कि उस गेस्ट हाउस में जाने का क्या मतलब है और वहाँ क्या होता है, और उसको इस बात का अंदाजा भी हो गया था कि शिल्पी के साथ क्या हो सकता है। इस वजह से गौतम जानकारी पाने के बाद तुरंत अपने काम धाम को छोड़कर अपनी कार उठाता है और सीधे जहां उसकी दोस्त शिल्पी को गेस्ट हाउस ले जाया गया था वहां भागकर पहुंचता है। अब जब वो गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचता है और शिल्पी को देखता है तो देखकर परेशान हो जाता है। वहां पर कुछ नेता और कुछ लोग शिल्पी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और शिल्पी उनका विरोध कर रही थी, और शिल्पी उन सभी लोगों को उनका भांडा फोड़ने की धमकी भी दे रही थी, साथ ही अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। और जैसे ही उसने गौतम को देखा वो भागकर गौतम के पास पहुंचती है और अपनी इज्जत और जान बचाने की गुहार लगाती, लेकिन गौतम का विरोध तमाम जान पहचान, पार्टी का कार्यकर्ता, कोई भी किसी भी तरह की चीज उसकी लाज बचाने में सहायता नहीं कर पाता, और नतीजा ये होता है कि शिल्पी और गौतम को गला घोंटकर वहीं मार दिया जाता है, और फिर एक सफेद रंग की जेन कार में जो गौतम की ही थी दोनों की डेड बॉडी को रख दिया जाता है। ये तो था एक कहानी का एक पहलू, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 तारीख की बात बता रहा हूँ, क्योंकि 2 जुलाई 1999 को शिल्पी लापता हुई थी, उसे चारों तरफ घर वाले ढूंढ रहे थे और उसका कहीं पता नहीं चल रहा था, कहीं सुराग नहीं मिल रहा था, और रात में ही जब 3 जुलाई की तारीख आती है और 3 जुलाई 1999 की रात ठीक 9 बजे पटना के ही मशहूर गांधी मैदान के ठीक पास में जहां SP ऑफिस बना हुआ है और वहां हालांकि कुछ नेताओं के क्वार्टर भी बने हुए हैं, उसी गांधी मैदान के पास पुलिस स्टेशन से पीछे कुछ मीटर की ही दूरी पर एक गैराज भी बना हुआ, हालांकि SP का दफ्तर भी वहां पास में, और ये गैराज SP ऑफिस के ठीक पीछे बना हुआ। उस गैराज का शटर डाउन था और उस गैराज के अंदर सफेद रंग की वही जेन कार खड़ी हुई, और उस कार के अंदर शिल्पी और गौतम की लाशें पिछली सीट पर पड़ी हुई थी और दोनों के शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। हालांकि आज तक ये मिस्ट्री एक पहेली ही है बनकर रह गई है कि बंद गैराज के अंदर ये कार खड़ी हुई है और कार के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं, इसकी सूचना पटना पुलिस को किसने दी थी अभी तक कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं आया है, और ये खबर कहां से लीक हुई। अब चूंकि डायरेक्ट ये खबर पुलिस को मिलती है और वॉकिंग डिस्टेंस पर ही गैराज बना हुआ था, पुलिस वहां तुरंत पहुंचती है और गैराज का दरवाजा खुलवाती है। कार के अंदर जब वो देखती है तो अंदर 2 लाशें पड़ी हुई, कार की तस्वीरें ली जाती हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो पुलिस ने ली थी वो मीडिया के पास भी थी और उन तस्वीरों में
ये दिखाया गया था कि पीछे की जो सीट होती है उस पर गौतम पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है। हालांकि शिल्पी के शरीर पर एक टी शर्ट जरूर, लेकिन बाकी कपड़े नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमाल की बात थी कि शिल्पी के जो बदन पर टी शर्ट थी वो गौतम की थी। अब शहर की पुलिस यह सब देखती है और यहीं से शुरू होती है पॉलिटिकल फैमिली के दबाव की कहानी। अब पुलिस दबाव में थी या नहीं थी, पुलिस को पहुंचे हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। रात को 9 बज रहे थे और पुलिस ने कहीं ये उल्लेख नहीं किया कि उसको ये इन्फॉर्मेशन कहां से और किसने दी, किसी नेता ने या खुद कातिल ने। लेकिन 9 बजे के आसपास पुलिस को ये खबर मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के पहुंचने के आधे घंटे बाद ही साधु यादव भी अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। अब चूंकि साधु यादव सांसद थे और राज्य में उनकी बहन मुख्यमंत्री थी, थोड़ी ही देर में बाकी के बचे हुए बड़े पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाते। वक्त 9:30 का हो रहा था। हालांकि कुछ चैनलों ने इसका स्टिंग ऑपरेशन भी कराया और उसमें 2-3 पुलिस अधिकारी साफ साफ कहते सुनाई पड़े कि आखिर साधु यादव को कैसे पता चला और कैसे वो वहां पर पहुंचे। ये राज आज तक दफन, जबकि लालू यादव ने साधु को मना भी किया था कि वहां पर मत जाओ क्योंकि वहां पर पहले से ही लाशें मिली हैं, लेकिन पता नहीं क्यों साधु यहां चले गए। और इसके बाद शिल्पी का भाई भी वहां पहुंच गया। अब दो सवाल आज भी एक रहस्य के घेरे में हैं कि लाश दो गाड़ी में पड़ी हुई किसने पुलिस को बताया और साधु यादव आधे घंटे के अंदर वहां कैसे पहुंच गए, ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई और कैसे आई। वहीं आप देखिए बिहार पुलिस की महानता और उसके कमाल की जांच का नमूना। जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी क्राइम के संबंध में जानकारी है और कानून की जानकारी है तो सबसे पहले लाश मिलने के बाद जो चीज मिलती है और उस वक्त वो सारी बातें रिपोर्ट में लिखी जाती है और पुलिस उन सारी चीजों को डिस्क्राइब करती है। अगर मरने वाले की पहचान नहीं है तो उसकी पहचान की जाती है, अगर पहचान है तो उसका नाम लिखा जाता है और इसके बाद बॉडी कस्टडी में ली जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर पुलिस यही कर, लेकिन पटना पुलिस का कमाल यह था कि लाश मिलने के घंटे भर के अंदर अंदर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी और बाकायदा लिखा हुआ था कि 23 साल की लड़की उम्र करीब और लड़का लगभग 27 साल का, और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में नाम नहीं बताया और एक घंटे के अंदर ही रिपोर्ट में ये लिख दिया गया कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है और पोस्टमार्टम को बॉडी हॉस्पिटल भेजी गई और इस दौरान रिपोर्ट में लिख दिया गया कि जहर खाकर खुदकुशी की गई। जबकि ये बात बिना बिसरा रिपोर्ट आए हुए नहीं लिखी जा सकती है क्योंकि शुरुआती पोस्टमार्टम में कोई ये नहीं बता सकता है कि किस तरह के पॉइजन से डेथ हुई है, कौन सा पॉइजन था। ये सारी चीजें विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलता है और विसरा रिपोर्ट को आने में वक्त लगता है, लेकिन बिहार की कमाल की पुलिस ने ये सारे काम को बड़े आसानी के साथ लिख दिया था। और उसके आगे का भी कमाल देखिए कि गौतम के परिवार वाले उसके पास नहीं, उनके आने का इंतजार भी नहीं किया जाता है और रात में ही गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ये सारे काम बड़ी जल्दी में पुलिस ने किए और रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम रात को करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये काम सुबह भी हो सकता था, नहीं हुआ, रात को ही पोस्टमार्टम हो गया और गौतम का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पुलिस ने अभी तक अपनी जो कागजी कार्रवाई में लिखा हुआ था वो यह था कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो शरीर से सैंपल उठाए गए उसके बाद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि शिल्पी के साथ रेप हुआ था और ये रेप एक से अधिक लोगों ने किया था। यहाँ पर दो चीजें कि अगर गौतम ने उसके साथ रेप किया था, यानी हम गौतम के सर पर इसका ठीकरा अगर फोड़ते हैं तो गौतम और शिल्पी दोनों आपस में सहमत से भी ये काम कर सकते थे, उसमें गला दबाने या इस तरह के जहर खाने का कोई मतलब नहीं था। बिना बिसरा रिपोर्ट आए ही रिपोर्ट में पुलिस ने लिख दिया कि दोनों की मृत्यु जहर खाने से, जबकि बिसरा रिपोर्ट को आने में समय लगा और उसमें इस बात की जानकारी हुई थी है कि कौन सा पॉइजन खाया गया, लेकिन पुलिस ने ये सब काम बड़ी जल्दबाजी में निपटाया। पुलिस का कमाल देखिए उसके बाद क्या उन्होंने किया कि एक घंटे के अंदर बॉडी अस्पताल भेजी, रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और गौतम के परिवार वाले आए भी नहीं और रात में ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जबकि रात को अंतिम संस्कार करने की कोई
जरूरत नहीं थी, सुबह भी किया जा सकता था, पोस्टमार्टम सुबह हो सकता था। वहीं जब बाकी सारे सैंपल जो लिए गए थे, इकट्ठा किए गए थे, वहीं जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि शिल्पी के साथ रेप हुआ था और एक से अधिक लोगों ने उसके साथ रेप किया था। चूंकि शिल्पी के अंदरूनी कपड़ों में जो दाग और धब्बे मिले थे उससे यह साबित होता था कि एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया, और ये सब बातें साफ साफ इशारा कर रही थी, और ये इशारा साधु यादव की तरफ। अब सरकार पर भी दबाव बढ़ता है, विपक्ष की पार्टियां भी धरना प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। जब शासन पर उंगली उठनी शुरू होती है तो राबड़ी देवी सरकार दबाव में आती है। चूंकि राबड़ी के भाई के ऊपर उंगली उठ रही थी, और आखिरकार मजबूरी में सितंबर 1999 में बिहार सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी, और सीबीआई की जांच देने के बाद सरकार को ये लगा चलो बला टेली। इधर फैमिली वालों को उम्मीद लगी थी कि शायद सीबीआई जांच में उसे न्याय मिल जाएगा। 1999 में शुरू हुई जांच लगभग 4.5 साल बाद 2003 के अंत में आई, और उस जांच में भी लगभग वही बातें लिखी हुई थी जो बिहार पुलिस ने पोस्टमार्टम के पहले ही भविष्यवाणी कर लिख दी थी। बिहार पुलिस की जो भविष्यवाणी के द्वारा लिखी गई बातें थी उसी की पुष्टि सीबीआई ने भी। और जब शिल्पी के अंदरूनी कपड़ों में एक से ज़्यादा सीमन के धब्बे मिलने की बात उठाई गई तो पुलिस ने तर्कों में ये बताया कि जब बॉडी को हटाया जा रहा था तो बहुत सारे पुलिस वालों के हाथों में पसीना था, और शायद उनके पसीने की वजह से ही ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हंसी आती है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन और सीमन और पसीने का संयोग कितना अच्छा बनाया गया, और इस तरह इस केस को क्लोज कर दिया गया और ये केस सुसाइड केस बनकर रह गया, जबकि गाड़ी पर उंगलियों के निशान उठाए ही नहीं गए। आखिर क्या जल्दी थी, और वहां से गाड़ी गैराज तक कैसे पहुंची, किस शख्स ने पुलिस को जानकारी दी? अगर तमाम चीजों के निशान उठाए जाते और सही तरीके से जांच की जाती तो शायद बहुत बड़े बड़े राज खुलते, लेकिन शायद इन राजों को ही दफनाने के लिए पुलिस ने इतनी जल्दबाजी की। वहीं गौतम जो शिल्पी का दोस्त था उसका अंतिम संस्कार भी रात में किया गया, जबकि हिंदू लॉ के मुताबिक रात में सूर्य डूबने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात जो थी कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, और अगर उन्हें ये काम ही करना था तो कपड़े पहन करके भी कर सकते थे, सुसाइड कपड़े पहन के भी किया जा सकता था, लेकिन नग्न हालत में बॉडी का मिलना अपने आप में खुद एक बड़ा सवाल खड़ा कर। क्या दोनों को ये बात मालूम नहीं थी कि उनकी नग्न बॉडियों से उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, उनके साथ ही साथ समाज में क्या छवि बनेगी? साधु यादव क्यों अपना ब्लड सैंपल देने के लिए मना करते रहे? अगर पुलिस या जांच एजेंसी कोर्ट का सहारा लेते तो उनका वीर या ब्लड सैंपल मैच करवाया जा सकता, लेकिन साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ मना कर दिया और उनका सैंपल नहीं लिया गया। बिना ब्लड सैंपल लिए हुए, बिना किसी जांच नतीजे के सीबीआई ने 4.5 साल बाद इस केस को सुसाइड बताकर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप। बाद में शिल्पी के भाई ने दोबारा इस केस को खुलवाने के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसका अपहरण हो जाता है, लेकिन वो 2 दिन बाद फिर वापस घर आता है। चूंकि वो केस को दोबारा खोलने के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए और उसे उसके घर को मैसेज देने के लिए धमकाने के लिए ही उसका किडनैप किया गया था। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर साधु यादव अपना ब्लड सैंपल देने से क्यों डर रहे थे, क्यों बच रहे थे? आखिर तक उन्होंने क्यों ब्लड सैंपल नहीं दिया? अगर उन्हें किसी बात का डर नहीं था तो उनके पास कोई तो जवाब होना चाहिए। शिल्पी और गौतम की मौत एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई। मित्रों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है, लेकिन आप स्वयं चीजों को किस तरह से लेते हैं,
क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।